तो गंगू भाई काठियावाड़ी फिल्म के डायरेक्टर्स के लिए, फिल्म के एक्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। गंगू भाई काठियावाड़ी की फिल्म का रास्ता साफ हो चुका है। ये फिल्म के खिलाफ याचिका दायर हुई थी। कमाठीपुरा के जो लोग हैं, कमाठीपुरा के जो निवासी हैं, उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी कि इस फिल्म में जो सीन्स दिखाए गए हैं उससे कमाठीपुरा की बदनामी होती है, उससे कमाठीपुरा के लोगों की, निवासियों की बदनामी होती है और वो सीन्स को तुरंत हटाया जाए। इस फिल्म पर रोक की भी मांग की गई थी। जो गंगूबाई के जो बेटे हैं जिन्हें गंगूबाई ने अडॉप्ट किया था, उन्होंने मांग की थी कि इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि उस याचिका की सुनवाई कल होगी, लेकिन जो कह सकते हैं गंगूबाई फिल्म का जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ हो चुका है। ये फिल्म 25 फरवरी को लोगों के बीच, यानी परसों शुक्रवार को, ये फिल्म आलिया भट्ट द्वारा एक्टिंग की गई गंगूबाई की ये फिल्म लोगों के बीच आएगी, सिनेमा घरों में तमाम रिलीज होगी। इस फिल्म में कुछ सीन्स के कटने की भी मांग की गई थी कि इस फिल्म में जो कुछ सीन्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी आपत्तिजनक है और उससे जो कमाठीपुरा का कोई लेन देन नहीं है, उसे सिर्फ कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिखाया गया है, उसे ओवर दिखाया गया है और ये सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे उस याचिका में। लेकिन साफ साफ अब गंगूबाई काठियावाड़ी की फिल्म का जो रास्ता है वो काफ़ी साफ हो चुका है। किसी भी दृश्य को कट नहीं किया जाएगा, ये साफ कह दिया गया है कोर्ट द्वारा। इस पर आज आपत सुनवाई बुलाई गई थी, लेकिन अब कमाठीपुरा के जो निवासी हैं उन्होंने जो ये याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी जा चुकी है। लेकिन अब जो उनके बेटे ने, गंगूबाई ने जिन अपने बेटे को, जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, उस पर जो सुनवाई है वो कल बाकी है। दो ही दिनों में, सिर्फ एक दिन महज बाकी रह गया है, ये फिल्म लोगों के बीच रिलीज होने वाली है। अब देखना होगा कि कल इस पर क्या सुनवाई आती है। लेकिन संजय लीला भंसाली को जो कहा गया था कि फिल्म में कुछ सीन्स कट करने होंगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। गंगूबाई काठियावाड़ी की जो फिल्म सीन्स हैं कोई भी कट नहीं किए जाएंगे।